दोस्तों टेली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे टेली में आप उधार और नगद ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को परफॉर्म करेंगे। अब पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, गेटवे ऑफ टेली में कैसे लेजर्स ग्रुप को बनाया जाता है, वो क्या होते हैं, इन्वेंट्री कैसे क्रिएट की जाती है, ये सभी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। अब आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेस टू बेस चीजों को कवर करेंगे, मतलब जो ट्रांजेक्शन अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसमें मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा लेजर कैसे क्रिएट करना है शॉर्टकट और मैनुअल दोनों तरीके से, और आपको स्टॉक भी कैसे क्रिएट करना है शॉर्टकट और मैनुअल दोनों तरीके से। तो ये चीजें हम करेंगे और तब हम एंट्रीज को परफॉर्म करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिंपली दोस्तों आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो हमारे ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी वो पहला ट्रांजेक्शन होगा कि 2 लाख रुपए से हम बिजनेस को शुरू करते हैं, मतलब 2 लाख रुपए लगा के एक पूंजी लगाते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए डिपोजिट करोगे। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन होगा जिसमें हम अंकेश ट्रेडर से कैश में यानी कि नगद 10,000 रुपए का माल खरीदेंगे, जिसमें आप देखोगे कि लेजर कौन कौन से आएंगे और उन्हें क्रिएट कैसे किया जाएगा, साथ ही उसमें हम किन किन स्टॉक्स का जैसे राइस, पल्सेस, सुगर और फ्लोर इनका यूज करेंगे और इन्हें हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसके बाद नगद के बाद एक ट्रांजेक्शन होगा हमारा उधार। आप यहां देख सकते हैं कि परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, आसान भाषा में मोहन ट्रेडर से हम 5,000 रुपए का उधार माल खरीदते हैं। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं, कौन से स्टॉक बनाने हैं और इनकी एंट्री को कैसे परफॉर्म करना है। इसी के साथ हम एंट्री करेंगे सेल की, जहां पे पहले हम नगद में सेल करेंगे और उसके बाद हम सेल करेंगे उधार में। सो बिना किसी देरी के आते हैं नॉर्मली टैली सॉफ्टवेयर पे और वहां पे इस चीज को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो सिंपली यहां पे मैं टैली स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे कि यहां पे मैंने एक नई कंपनी बना ली है अनिरुद्ध ट्रेडर्स। अब आपको भी याद होगा कि पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है कि 2 लाख रुपए लगाकर हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, मतलब 2 लाख रुपए हमारे पास कैश है जिसकी मदद से हम बिजनेस में आगे के सभी काम को परफॉर्म करेंगे, चाहे वो परचेस करना हो गया या फिर गुड्स भरना हो गया, ये सभी चीजें हम उन्हीं पैसों से करेंगे। तो सबसे पहले आप आते हो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कई तरीके के वाउचर होते हैं, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, परचेस वाउचर, सेल वाउचर। सवाल ये आता है कि जो हमारा ये पहला ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, कमेंस्ड बिजनेस विथ 2 लाख रुपीज। मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट वाउचर का मतलब क्या होता है, जब भी आपके बिजनेस में पैसा आए किस फॉर्म में, या तो कैश में या चेक में, तो वो जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट वाउचर में। अब यहां पे देखो कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो 2 लाख रुपए से, यानी वो 2 लाख रुपए कहाँ आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो एंट्री हम करेंगे वो हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। पहली बात क्लियर हुई कि ये जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है वो कौन से वाउचर में जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में। इसके बाद यहाँ पे 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है, यानी कि 2 लेजर्स की जरूरत पड़ रही है, एक है कैश अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। देखो जो कैश अकाउंट है वो पहले से अवेलेबल होता है टैली में, जिसकी जो ग्रुप होती है वो होती है कैश इन हैंड। लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट है जिसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, ये सभी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये मुझे बनाना पड़ेगा यूज करने के लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आने के बाद अभी पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, मैं जैसे ही कीबोर्ड से F6 को प्रेस करूंगा यहाँ पे खुल जाएगा रिसिप्ट वाउचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि F6 से क्या है, रिसिप्ट वाउचर है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एस्केप करते हुए आऊंगा बाहर, और बाहर आने के बाद आपको जाना है अकाउंट इन्फो में। ये मैनुअल में बता रहा हूँ कि शॉर्टकट भी हम समझेंगे। तो आपको अकाउंट इन्फो में जाना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लेजर का, और मैंने किया एंटर, और पहले मैं जा रहा हूँ डिस्प्ले पे, कुछ आपको दिखाना है। तो हम डिस्प्ले पे जाते हैं, और आप देखो मैंने कहा था कि जो कैश अकाउंट है वो यहाँ पे पहले से बना होगा। तो देखो कैश अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब मुझे जरूरत किस चीज की, कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि एक अकाउंट क्रेडिट एक अकाउंट डेबिट होगा। तो आप आए क्रिएट पे और आपने किया एंटर। यहां पे आने के बाद आपने यहां लिखा कैपिटल अकाउंट, जो लेजर आप बनाना चाहते हो जिसका यूज आपको करना है, एंटर किया। अब ये किस कैटेगरी के अंडर आएगा, टैली कैसे पहचानेगा। देखो मैंने पहले भी बताया कि ये जो आपने कैपिटल लिखा है इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। कैपिटल ही लिख दूं मैं सीधा सीधा, कैपिटल AOUNT ऐसे लिख दूं, तो टैली नहीं पहचानता। टैली समझता है कि ये बस आपने ग्रुप ऑफ वर्ड को लिखा है।
वो पहचानेगा उसमें पहले से जो ग्रुप सेव होते हैं उनकी मदद से। इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं टैली उसी से समझ पाता है आपने जो भी ऊपर लिखा है उसका मतलब, कि कैपिटल बोलना चाह रहे हो या फिर ड्राइंग बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। तो मैंने उसको अंडर रख दिया कैपिटल अकाउंट। आप थोड़ा सा ही लिखोगे आपको साइड में सजेशन मिल जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में, आपको प्रेस कर देना एंटर, और एंटर करना है तब तक जब तक क्या ना हो जाए एक्सेप्ट, और मैं एस्केप का बटन दबा रहा हूँ, बाहर आ जाएंगे। और अब मैं डिस्प्ले में जाके आपको चेक कराता हूँ। तो अब आप देखिए पहले सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी आ गया। अब हम एस्केप करते हुए आ जाएंगे बाहर, और यहाँ आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में जहाँ हम पहले गए थे, जहाँ पे हमें हमारा ट्रांजेक्शन करना है। तो हमने इसको खोला, और यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर मैंने खोला हुआ है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं आसान भाषा में। सवाल ये है, रिसिप्ट वाउचर सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे एक अकाउंट, वो बोल रहा है कि आपके पास पैसा कैसे आया है, कैश में आया है या फिर बैंक में आया है। तो जैसे आप स्पेस का बटन दबाओगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कैश, क्योंकि मैंने कैश अकाउंट बना रखा है। तो मैंने बोला कि जो अकाउंट मतलब जो पैसा मेरे पास आया है वो आया है नगद, मतलब कैश आया है मेरे पास। तो मैंने डाल दिया कैश, फिर मैं दबाता हूँ स्पेस का बटन, और यहाँ पे आ गया कैपिटल। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे जो आपका सी यू आर बी ए एल ये लिखा है, इसका मतलब होता है करंट बैलेंस। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए भरूंगा, आप देखेंगे कि अब मेरा करंट बैलेंस, बिजनेस का करंट बैलेंस कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। एंटर करोगे, नीचे नरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपने की है, जैसे मैंने बिजनेस को शुरुआत की है, मैंने बिजनेस की शुरुआत की है, तो मैंने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस, और एंटर करते हुए आपने कर दिया एक्सेप्ट। पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं बाहर, और यहाँ पर अगला ट्रांजेक्शन है कि मैं अंकेश ट्रेडर से 10,000 का माल नगद खरीदता हूं, जहां पे ट्रांजेक्शन करने पे परचेस अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इसके बाद यहां पे देखो मुझे 2 लेजर की जरूरत है, एक है कैश अकाउंट, एक है परचेस अकाउंट। कैश अकाउंट मैंने पहले से बना रखा है, या फिर जो टैली है उसमें पहले से ही आता है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, परचेस अकाउंट। इस बार हम मैनुअल ना बनाकर हम शॉर्टकट में देखेंगे कि उसी जगह पर रहते हुए हम इस अकाउंट को कैसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया लेजर की बात। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास स्टॉक, जहां पे राइस, पल्सेस, सुगर और फ्लावर, ये 4 स्टॉक यानी ये जो 4 आइटम्स है इनकी हमें जरूरत है। तो मैं आता हूँ टैली सॉफ्टवेयर में। सबसे पहली बात कि ये ट्रांजेक्शन है किसका, परचेस का। बताया था ना मैंने आपको कि जब भी परचेस गुड्स की एंट्रीज होती है उसके लिए परचेस वाउचर अलग से है, और जब भी आप सामान बेचोगे तो उसके लिए वाउचर अलग से है। तो क्योंकि मैंने परचेस किया है तो यहाँ पे एक वाउचर होता है परचेस, जिसका शॉर्टकट है F9। तो मैं यहाँ पर F9 की को प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मेरा परचेस वाउचर खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जो जिससे भी आपने सामान लिया है उसका बिल नंबर क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात आप किससे भी सामान खरीदते हो तो वो आपको एक बिल देता है और उस बिल पे एक नंबर होता है। तो जो भी नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मैंने 856 लिख दिया, एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। देखो दो चीजें होती है, जब भी आप नगद खरीदोगे तो पार्टी अकाउंट नेम में आप दोगे कैश अकाउंट, और जब भी हम ट्रांजेक्शन को उधार खरीदते हैं तब हम देते हैं पार्टी का नाम। कैश अकाउंट की जगह क्या देंगे, पार्टी का नाम। तो पार्टी से मैंने नगद खरीदा है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कैश अकाउंट, और यहाँ पे ये पूछेगा पार्टी की डिटेल्स, यानी जो भी सप्लायर है जिससे सामान आप ले रहे हो उसकी डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि अमित ट्रेडर्स उनका नाम है जिनसे हम खरीद रहे हैं, या फिर अंकेश ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे उनका, जो भी एड्रेस है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें भरने के बाद आपको करना है एंटर। अब ये बोल रहा है परचेस लेजर, तो परचेस का जो लेजर है वो मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा था ना कि हम मैनुअल नहीं बनाएंगे, इस बार हम शॉर्टकट में बनाएंगे। तो अगर आप यहीं से कोई भी लेजर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑल्ट होल्ड करके सी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट होल्ड करना है और सी प्रेस करना है। तो मैंने ऑल्ट सी किया, देखो ऊपर क्या खुल गया, लेजर क्रिएशन, मतलब वहां पे जाने की जगह यहीं से मैं लेजर बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला परचेस अकाउंट और मैं एंटर कर देता हूँ, और ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है परचेस अकाउंट की कैटेगरी में। एंटर करेंगे हम और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब सवाल आता है कि मुझे स्टॉक भी बनाने पड़ेंगे, तो अगर मैं यहाँ से बताने लग गया, मतलब आप चाहो तो ऑल्ट सी करके यहाँ से ही स्टॉक बना सकते हो, तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या खुल गया, स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो मैंने डाल दिया कि मुझे बनाना है राइस, एंटर किया।
अब बोल रहा राइस किस कैटेगरी में आएगा, तो मुझे बनाना है इसका ग्रुप, तो आप ऑल्ट सी कर दो यहीं से, और इसका ग्रुप मैंने बना दिया कि ये है इसका ग्रुप फूड आइटम्स, एंटर किया और इसको प्राइमरी में डाल देंगे, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट, ग्रुप बन गया देखो फूड आइटम। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका यूनिट, तो ऑल्ट सी करो और यहाँ पे डाल दो कि इसको आप कैसे तोल के दोगे केजी में, तो किलो में इसको हम तोल के देंगे, तो इसका सिंबल हो गया केजी और पूरा का पूरा नाम जो है वो हो गया किलोग्राम, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट, और ये हमारा जो स्टॉक है वो क्रिएट हो गया। देखो अब मैंने बोला ये कितना खरीदा है मैंने, तो मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ कि जो राइस है मैंने 50 केजी खरीदा है 250 रुपए में, तो यहाँ पे आप आओ और मैं लिख देता हूँ कि राइस जो खरीदा है वो मैंने खरीदा है 50 केजी, तो 50 ही लिखो, एंटर करो, ये अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 2500 का मैंने बेचा है तो एक किलो कितने का पड़ रहा है, तो ये पता नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना, टैब का बटन दबाना है और अमाउंट में आना है और यहाँ पे अमाउंट आपको लिख देना है, ऑटोमेटिकली जो रेट है पर केजी वो ऑटोमेटिकली वहां फीड हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टॉक बना लेते हैं, तो ऑल्ट सी कर देता हूं मैं यहीं पे और मैं चेक कर लूं अगला स्टॉक क्या है, पल्सेस, तो आप यहां डाल दो पल्सेस, एंटर करेंगे और फूड आइटम और यहां पे केजी, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट, और ये भी मैंने डाल दिया 50 केजी है, 50 केजी के हिसाब से खरीदा हमने। फिर नीचे आए, ऑल्ट सी किया, अब इसके बाद मैंने खरीदा यहाँ पे सुगर, एंटर किया, किस कैटेगरी में ले लिया, फूड आइटम में, और इसको तोलेंगे कैसे, किलो में, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट, दोबारा डाल दिया 50 केजी और यहाँ डाल दिया मैंने 50 रुपए की दर से खरीदा है 2500 रुपए। एक और स्टॉक है हमारे पास फ्लार यानी आटा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं, अब ये तो मैंने बना रखा, तो दोबारा से ऑल्ट सी कर देते हैं, FLOUR, एंटर, नीचे आए फूड आइटम और किलो, एंटर किया, एक्सेप्ट, दोबारा डाल दिया मैंने 50 केजी 50 रुपए की दर से, और आप देखिए 10,000 रुपए का बिल यहाँ पे बन गया। नरेशन डाल देता हूं मैं कि मैंने क्या किया है, परचेज गुड्स यानी सामान को खरीदा है, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल था। अब यहां पे बात करते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन की जो है उधार, तो आप यहां नीचे आए और यहां पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मोहन ट्रेडर से उधार माल खरीदा है, तो यहां पे देखो एक अकाउंट आ गया परचेस अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट है वो आ गया मोहन का अकाउंट। तो अब यहाँ पे मुझे दो स्टॉक बनाने, एक राजमा का स्टॉक बनाना है, एक आलमंड यानी बादाम का स्टॉक बनाना है, और यहाँ पे मुझे बनाना है मोहन का अकाउंट और बनाना है परचेस अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए हम आ जाते हैं टैली में और यहाँ पे देखते हैं, ये है हमें जो बिल नंबर मिला है वो है 487 सपोज ये है। और अब पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा था जब हम नगद खरीदते हैं तो यहाँ डालते हैं कैश अकाउंट, लेकिन अभी मैंने कैसे खरीदा उधार, तो कैश तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑल्ट सी को और यहाँ पे मैं बनाऊंगा मोहन ट्रेडर्स का अकाउंट, तो मैंने लिखा मोहन ट्रेडर्स। अब सवाल ये आता है कि इससे मैंने उधार माल खरीदा है, तो मैंने आपको बताया था कि जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, उधार माल लेने वाले को डेटर, उधार माल देने वाले को क्रेडिटर, तो ये मेरा क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर कर दिया, और एंटर करते हुए आपको यहां पे कर देना है क्या, एक्सेप्ट करना है। अब यहां पे सप्लायर की पूरी डिटेल आप डाल दो, जो भी डिटेल है वो आप डाल दो आराम से, और ये करने के बाद आप देखो यहां पे करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है नगद मैंने खरीदा नहीं है, तो नगद खरीदा नहीं है तो पैसे कटेंगे नहीं, तो इसलिए यहां पे करंट बैलेंस कुछ नहीं दिखा रहा। और मैं डाल देता हूं परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में आप यहां पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन से स्टॉक है, एक है राजमा और एक है आलमंड, राजमा 50 केजी है 2500 का, आलमंड 20 केजी है 2500 का, तो यहां पे ऑल्ट सी करते हैं और मैं डाल देता हूं राजमा, एंटर करते हैं और यहां पे आई मैंने डाला फूड आइटम केजी, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट। अब यहां पे मैंने खरीदा कितना, 50 किलो 50 रुपए की दर से ही हो गया 2500, और दूसरा यहां पे आलमंड, एंटर कर लेते हैं, इसको भी फूड आइटम में ही ले लेते हैं और इसे भी हम किलो में ही तोल के दे रहे हैं, तो एंटर किया, एक्सेप्ट, और ये मुझे पता है कि मैंने दिया है 20 केजी, एक किलो कितने का पड़ा नहीं पता, तो टैब दबाओ आगे आओ अमाउंट वाले में और रेट डाल दो 2500, ऑटोमेटिकली वहां पे रेट जो है पर केजी कितना पड़ा वो आ जाएगा, एंटर कर देंगे और यहां पे डाल दूंगा मैं कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल हमने खरीदा, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट, इतना क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल था।
अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम अंकेश ट्रेडर्स इन कैश। मतलब हमने अंकेश ट्रेडर्स को 20,000 रुपए का जो गुड्स है वो हमने बेचा। अब आप देख सकते हैं जो चीजें हमने खरीदी थी जैसे राइस, पल्सेस, सुगर, फ्लावर, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जिसके लिए हमारा लेजर यहाँ पे एक आ गया कैश अकाउंट, एक आ गया सेल अकाउंट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर यही एंट्री मुझे टैली में करनी है, जाहिर सी बात है मैंने सामान को बेचा है, सोल्ड किया है, तो इसके लिए एक प्रॉपर वाउचर है जो है F8 सेल्स वाउचर। आप इस पे क्लिक करते हो सेल्स वाउचर खुल जाएगा। अभी हमारा पहला कस्टमर है तो हम इसको क्या बिल नंबर देंगे, यानी रेफरेंस नंबर क्या देंगे, तो मैंने बोला 1। अब जैसा कि आपने परचेस अकाउंट में देखा, अगर आप नगद खरीद रहे हो तो आप कैश अकाउंट रखते थे और उधार खरीद रहे थे तो पार्टी का नाम। तो अभी हम नगद बेच रहे तो हमने डाल दिया यहाँ पे कैश अकाउंट, और यहाँ पे जो भी डिटेल है जैसे डिस्पैच डिटेल, कितने बजे जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारी डिटेल आप भरोगे। ऑर्डर डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी है या फिर नेट बैंकिंग है, जो भी चीजें हैं वो सब आप भरोगे, और लास्ट में यहाँ भरोगे बायर की डिटेल। तो डिटेल मैंने भर दिया कि ये जो भाई साहब हैं वो है मान लो अंकेश ट्रेडर्स हैं, उनका नाम हमने डाल दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये सदरपुर में रहते हैं, जो भी डिटेल है इनकी वो आप भर दो, और एंटर करते हुए करेंगे एक्सेप्ट। सेल्स लेजर मैंने नहीं बनाया, तो सेल्स लेजर बनाने के लिए आपको ऑल्ट सी करना है और यहाँ पे डालना है सेल्स अकाउंट, और किस कैटेगरी में लेंगे, सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में, एंटर कर दिया और कर देंगे इसको एक्सेप्ट, सेल्स अकाउंट बन गया। अब जो जो चीजें मैंने खरीदी थी उन्हें बेचना है, तो आप सिंपल स्पेस के बटन को दबाओ, आपको सभी चीजों की लिस्ट मिल जाएगी जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम बेच देते हैं फ्लावर यानी आटा, और मैं पूरा का पूरा 50 kg बेच देता हूँ, 50 रुपए की दर से हमने खरीदा था, 100 रुपए में इसको बेचेंगे। फिर यहाँ पे स्पेस करता हूँ नीचे आके, और यहाँ पे ले लेते हैं पल्सेस, कर दिया एंटर, 50 kg 100 रुपए की दर से, एंटर कर दिया एक्सेप्ट स्पेस। फिर यहाँ पे आते हैं, मैंने डाल दिया राइस, 50 kg पूरा का पूरा बेचेंगे, 100 kg एंटर कर दिया एक्सेप्ट। फिर स्पेस कर लेते हैं लास्ट जो हमारा है वो है सुगर, एंटर किया 50 kg 100 एंटर कर दिया एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं 10,000 का हमने माल खरीदा था और इसको हम बेच रहे हैं 20,000 में, एंटर कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे कि सोल्ड गुड्स, नरेशन हमने डाला, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट, क्लियर। दूसरा जो सेल हमने किया है वो है हमारा उधार, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू मोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब मोहन ट्रेडर्स ऑलरेडी मैं बना चुका था परचेस में, तो इसका नाम हम कुछ और डाल देंगे यहाँ पे। अब यहां पर मैंने इनको राजमा बेचा है, आलमंड बेचा है, जो चीज हमने खरीदी थी, और यहां पर हमें बनाना पड़ेगा एक अकाउंट, सेल्स तो हम बना चुके हैं अभी, यहां बनाना पड़ेगा अंकेश ट्रेडर्स, और क्योंकि उसको उधार माल बेचा है, उधार माल लेने वाला इंसान है, तो ये क्या होगा, हमारा डेटर, कर्जेदार। तो आप यहाँ पे आओ टैली में, और यहाँ आने के बाद ये मेरा दूसरा कस्टमर है, तो 2 दे देते हैं, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मोहित ट्रेडर्स है जिसको हम उधार माल बेच रहे हैं, तो ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ दे देंगे मोहित ट्रेडर्स, एंटर करेंगे और यहाँ दे देंगे सन्ड्री डेटर्स, एंटर किया एक्सेप्ट, और एंटर करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उन डिटेल्स को आप भर दीजिए आराम से, बिल्कुल भरिए, ठीक है। और सेल्स लेजर में हमने डाल दिया सेल्स अकाउंट, स्पेस करेंगे, क्या क्या बचा है हमारे पास, एक है आलमंड 20 किलो, तो पूरा का पूरा 20 किलो बेच देते हैं और इसको बेच देंगे यहाँ पे किस दर से, इसको हम बेच देते हैं 125 रुपए का हमने खरीदा था, 5,000 का हमें बेचना है, तो मैं अमाउंट में जाके 5,000 लिख देता हूँ। स्पेस करते हैं जो हमारा राजमा है उसको भी हम बेच देंगे, पूरे 50 किलो को बेचेंगे 100 रुपए की दर से, और ये भी डबल में हमने इसको बेच दिया, नरेशन यहाँ पे हम दे देंगे और एंटर करेंगे एक्सेप्ट। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि नगद और उधार ट्रांजेक्शन आप कैसे कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।